माफिया 3 का रिव्यू। माफिया 3 रिव्यू कर। माफिया 3 का रिव्यू कर। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। वेलकम टू द देसी रिव्यूअर। और मैं KTS, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ। तो stand up and wait for my review to start. माफिया 3 एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है। टाइटल में 3 होने से ये गेस कर ही लिया होगा कि ये माफिया सीरीज की थर्ड एंट्री है, लेकिन अगर फिर भी गेस नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आपका भाई है बताने के लिए। तो सुनो, ये माफिया सीरीज की थर्ड एंट्री है, और अब याद रखना, ये माफिया 2 के रिलीज होने के 6 सालों के बाद PC, PS4 और Xbox One के लिए रिलीज हुई है। तो चलिए देखते हैं कि माफिया 3 अपने बेहतरीन सीक्वल्स का भरम बना के रख पाती है या नहीं। तो इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। माफिया 3। आली रे आली, आता तुझे भारी आली। तो 6 सालों के बाद माफिया सीरीज एक बार फिर वापस आई है माफिया 3 लेकर। माफिया 3 आई है एक नए हीरो लिंगन क्ले के साथ, जो एक आर्मी वेटेरियन रह चुका है, और गेम सेट की गई है न्यू बॉर्डो 1968 में। न्यू बॉर्डो न्यू ऑर्लियंस का फिक्शनल वर्जन है। लिंगन एक ऑर्फन था और उसे ब्लैक मॉब्स ने अडॉप्ट कर लिया, और इनका लीडर सैमी लिंगन के लिए बाप जैसा है। लिंगन को जल्द ही पता चल जाता है कि सैमी किसी मार्केनो क्राइम फैमिली की डेप्थ में है, और वो कसम खाता है कि मार्केनो क्राइम फैमिली को जड़ से उखाड़ देगा। स्टोरी और करेक्टर्स माफिया 3 के ग्रेट हैं। लिंगन और उसका फ्रेंड जॉन 2 वैंस यानी दोनों वैंस गेम की बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं। गेम में हमारे 3 अंडर बॉसेस भी हैं, कैसेंड्रा, बुरके और विको स्केलेटा, जो माफिया 2 में भी मौजूद था, और इनकी स्टोरीज फर्दर साइड क्वेस्ट में फ्लश्ड हैं। गेम की सिटी कल्चर एनवायरनमेंट बेहतरीन है। म्यूजिक न्यू बॉर्डो को मजीद लाइवली सा फील करवाने में बहुत हेल्प करता है। जैज, ब्लूज, रेडियो ब्रॉडकास्ट, सब कुछ सिटी को अलाइव करते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स जैसे रेसिज्म, पुलिस ऑफिसर्स का क्राइम सीन पर खड़ा होना, सब भरोसा दिलवाती हैं कि न्यू बॉर्डो एक रियल प्लेस है। और गेम में कोई फास्ट ट्रैवल सिस्टम नहीं है। ऐसा पता नहीं क्यों किया, शायद वो चाहते हैं कि लोग इस वर्ल्ड की ब्यूटी को एंजॉय करें और इनकी सिटी को देखकर कहें, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो। लेकिन इससे मेरे जैसे सुस्त लोगों को काफी मुश्किल होती है। बहरहाल, हर बिल्डिंग में एंटर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ इंटीरियर्स एक्सेसिबल हैं। गेम में टन्स ऑफ डाइनर्स, लिकर स्टोर्स और बार्स हैं, जो एक्सप्लोरेशन को मजीद इनकरेज करती हैं। लेकिन गेम में बेसिक ओपन वर्ल्ड फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे हम लिंकन की अपेयरेंस को खुद से कस्टमाइज नहीं कर सकते, और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन भी काफी लिमिटेड है। इंटीरियर बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन सिर्फ बैठने और देखने के अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं है। और कभी कभी ऐसा लगता है गेम को देखकर कि शायद गेम का सारा पोटेंशियल इन्होंने ओपन वर्ल्ड बनाने में ही लगा दिया। बहरहाल, मार्कानों को मारने के लिए लिंकन को उसके ल्यूटेनेंट्स और इसके चेले चपाटों को मारना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट एट अ टाइम वाला असूल है। उन्हें बाहर निकाला जाएगा उनके क्रिमिनल रैकेट्स पर अटैक करके, और यही सोललेस रिपीटिव मिशन है जहां आकर माफिया 3 बोरिंग हो जाती है। तकरीबन 20+ आवर्स सिर्फ बॉक्सेस तोड़ने में, कार्गो चुराने में और टारगेट एलिमिनेट करने में गुजर जाते हैं। इन मिशन्स में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इस जगह पर ऐसा लगता है कि डेवलपर्स गेम बनाते बनाते इस गेम से खुद भी बोर हो गए। ये मिशन्स कम्प्लीटली भुला देते हैं कि ओरिजिनली हम गेम में अकॉम्प्लिश क्या करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग तो बदमाश बिरयानी फुल स्पाइसी खाने निकल पड़ते हैं। बहरहाल, जब किसी ल्यूटेनेंट को मारने जाओ तो माफिया 3 अपने बेस्ट मिशन सर्व्स करती है, बट ये भी रेयर है। माफिया 3 में तकरीबन हर गेम की तरह अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। आज भी आपको बताऊंगा अप्रोच करने के तरीके। 2 अप्रोच हैं, एक गन ब्लेजिंग जिसमें जा सिमरन, एनिमीज के अंदर घुस के सबको मार दो, या स्टेल्थ, जिसमें स्टेल्थी तरीके से आओ और एनिमीज खत्म कर दो। गेम के स्टेल्थ मैकेनिक्स काफी अच्छे वर्क करते हैं, और लिंगन का ब्रूटल मेली किल रैम्बो की याद दिलाता है। बहरहाल, गेम में ब्रूटल टेकडाउन कॉम्बोज भी हैं, जो किसी भी एनिमी के अटैक को इंटरप्ट करने के साथ 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 वाले एनिमीज को भी डरा देते हैं। और जब घुस के फटने का दिल करे तो उसके लिए भी गेम काफी वैरायटीज ऑफर करती है, पिस्टल, शॉटगन और मशीन गन वगैरह से। याद रहे, लिंकन मर्द जरूर है, लेकिन वो मर्द नहीं है जिसे दर्द नहीं होता, तो कवर के पीछे छुपना भी जरूरी है। गेम में कॉम्बैट मैकेनिक्स जितने सॉलिड हैं, AI उतना ही डंब है। इस जनरेशन की किसी गेम से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी चीजें 10 साल पहले शायद होती तो समझ भी आता। हम किसी भी एनिमी को कहीं भी मार दें और साथ वाली आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा रिएक्शन भी बहुत देर बाद ही आता है उनका।
और इवन एनिमीज की लाश उठाकर पूरे शहर में भी घूमते रहे लोग I don't give a fuck! करते हुए अपने मगन घूमते रहते हैं। सेम थिंग अप्लाई होती है एनिमीज पर। जब हम ओपन कॉम्बैट में एंगेज होते हैं तो खुद से हमारे सामने आते रहेंगे, आओ भाई हमें मारो, या फिर कवर से इतना पीक करेंगे कि शूट करना नहायत आसान हो जाएगा। इन्हें देखकर बस यही सोचा जा सकता है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। मैप में काउंटलेस कलेक्टेबल हैं, प्लेबॉय मैगजीन से लेकर कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा तक, और वायर टैपिंग से डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टेबल्स की लोकेशन के साथ साथ रैकेट बॉसेस को भी हायर करने की एबिलिटी खुल जाती है, जिससे एडिशनल इनकम ली जा सकती है, जो फिर यूज करते हैं हम अपने करेक्टर की अपग्रेडिंग में। इस गेम का अपग्रेडिंग और इन्वेंटरी सिस्टम एक वैन में रखा गया है, और मनी से करेक्टर की हेल्थ, वेपन एक्यूरेसी और व्हीकल हैंडलिंग जैसी चीजें बढ़ा सकते हैं। बहरहाल जब एक डिस्ट्रिक्ट अंडर कंट्रोल हो जाती है तो आप पर डिपेंड करता है कि अपने 3 अंडर बॉसेस में से किसे वहां का कंट्रोल देते हैं। हर कोई आपको वेरियस रिवॉर्ड्स देते हैं, लेकिन नाराज भी हो जाते हैं अगर ज्यादा देर तक इग्नोर रखो तो सबको खुश रखना आपका काम होगा। जैसा कि पहले बताया, नो फास्ट ट्रैवल सिस्टम, सो प्रिपेयर टू ड्राइव। कार्स की डिटेलिंग गुड है, मसल्स कार में पावर है लेकिन हैंडलिंग नहीं, और स्मॉल कार्स फास्टर हैं बेटर हैंडलिंग के साथ लेकिन पावर नहीं, और बारिश और मिट्टी भी कार्स पर काफी इफेक्ट डालती हैं, और डम्ब एआई यहां पर भी बची कुची एक्साइटमेंट का गला घोट देता है। कार चेजेस बहुत ही इजी हैं और इजीली स्केप किया जा सकता है। इन चेजेस में कभी आपको ये फील नहीं होगा कि एक हाई स्पीड परस्यूट है, कोई बड़ा कांड करके हम निकल रहे हैं, या तो एआई सच में ही इतनी डम्ब है या ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। गेम बग्स क्रैशेस से भरी हुई है, वियर्ड क्लोन और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स अगर स्पेसिफाई किया जाए तो, और ड्राइविंग के दौरान कभी कभी ऑब्जेक्टिव उड़ते हुए भी नजर आएंगे। और ये बग्स क्रैशेस हर प्लेटफॉर्म में इक्वल है, ऐसा नहीं है कि पीसी में ज्यादा है, PS4 में कम है या एक्सबॉक्स में ज्यादा है। बहरहाल गेम इनिशियली पीसी पर 30 FPS लॉन्च हुआ था, जैसे कि फेलो कंसोल्स पर, लेकिन जल्द ही 60 FPS और अनलॉक्ड FPS हो गए थे, जबकि कंसोल्स पर 30 FPS लॉक्ड हैं, और मोस्ट इंटेंस सीन में मिड 20s पर भी ड्रॉप हो जाते हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि PC इज द मास्टर रेस। माफिया 3 एक रिच नरेटिव ऑफर करती है। गेम एक ऑथेंटिक ओपन वर्ल्ड में बेस है जो हर तरीके से लाइवली सा फील होता है, और करेक्टर पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है, लेकिन रिपीटिव टास्क, अनोइंग ग्लिच और जरूरत से ज्यादा स्मार्ट AI गेम को बर्बाद करते हैं। तो देसी रिव्यूअर ने इसे रेट किया है 7.398564/10। तो ये था एक देसी रिव्यू माफिया 3 पर। अब वीडियो का एंड है और आप पूछ रहे होंगे कि हम क्या करें, तो इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, अगर पहली दफा देसी रिव्यूज देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और घंटा बजाओ, क्योंकि उससे आनंद भाई हिले ना हिले आपका फोन वीडियो के नोटिफिकेशन से जरूर हिलेगा। भरोसा नहीं है तो ट्राई करके देखो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओए, प्रे का रिव्यू नहीं कर रहा क्या? One-way road. Once you start down it, there ain't no turning back. You are who you are. No point arguing with yourself about it.